खबर मथुरा से। मथुरा में यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखकर 40% कॉलोनियों में पानी भर चुका है। लगातार प्रशासन कॉलोनी वासियों को अलर्ट कर रहा है। 2 दिन के नदी स्तर को देखते हुए आज नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार यमुना के इस रूप को देखकर लोगों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं लगातार प्रशासन अधिकारी यमुना नदी के घाटों पर नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं बाहर से टीम बुलाई गई है। लगातार कॉलोनी में पहुंच रहे पानी को देखते हुए अधिकारी राहत कैंप लगाए बैठे हैं। जगह जगह मजिस्ट्रेट अधिकारी निगरानी करने में लगे हुए हैं। वहीं लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि घाटों से दूर रहें। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि मथुरा में अभियान चलाकर 1200 लोगों को राहत कैंप्स में लाया गया है। वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप मथुरा में कार्य किया जा रहा है। जल्द ही पानी घटने के स्तर पर लग रहा है। मथुरा में पिछले 4 दिनों से यमुना जी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आज भी लगभग दिन में 1-2 बजे तक इसके बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ही इसके स्थिर होने के अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेके अभी तक लगभग 1200 लोग हमारे बाढ़ शरणालयों में आ चुके हैं। 4 जगह इस तरह के राहत कैंप या शरणालय संचालित करे जा रहे हैं। इन शरणालयों में जितने भी लोग आए हैं, उन लोगों के लिए भी और उनके पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। पशुओं के लिए चारा और पीने का पानी है। लोगों के लिए वहाँ पे स्वास्थ्य की भी सुविधाएं हैं और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे हर शरणालय पे मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, जो ये देख रहे हैं कि सभी लोगों को समय से खाना भी मिले, पीने का पानी मिले और यदि कोई बीमार होता है तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इन गाँव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। जनपद में इस समय NDRF की 2 टीमें जिनके पास 8 बोट्स हैं वो काम कर रही हैं। SDRF की 1 टीम जिसके पास 2 बोट्स हैं वो काम कर रही है और फ्लड PAC की 1 टीम, ये सभी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय नाविक हैं उनकी भी कहीं कहीं जगह मदद ली जा रही है। ट्रैक्टरों के माध्यम से भी लोगों को निकाला जा रहा है। मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी कि अगले कुछ घंटों तक 12 से लेकर 24 घंटों तक कम से कम नदी की तरफ ना जाएं, क्योंकि यमुना जी का बहाव बहुत तेज है और इसमें है किसी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो यमुना जी की तरफ अगर आपका गांव पड़ता है या आपके मोहल्ले उस तरफ पड़ते हैं तो यमुना जी की तरफ ना जाएं और पुलिस और प्रशासन पूरे जल स्तर के बढ़ने घटने के इस पूरे जो प्रक्रिया है इसके ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए है और हर तरह से ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी भी तरह की जनहानि ना हो और लोगों को सही समय सुरक्षित निकाल के सही स्थानों पर ले जाया जा सके। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।